यकीन करो कि तुसने तसरात चेंज होनी और स्पेशली जो आने ना कि जो तुम कब्बे पर नजर पै तो जी पहली दुआ होनी कबूल होनी। मैं तो सही बात जी जो कब्बे पर नजर पैनी ना वो घट ही बंदा उसी कि उसकी अपनी जात याद है। मखलूके खुदा ही है कि इंसान उतना जाना ना तो बंदे की पता चलना कि अल्लाह ने ना किन्ने लिए कितनी दुनिया है और हर बंदे ने एक ही टारगेट होना कि मैं अल्लाह ही राजी करना। सारी पहाड़ी पर टाइम स्पेंड किया लाइफ सुकून और पढ़ाई रूहानी तौर पर तुम आ ही सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त वो जो सारा जितना एरिया सारा पक्का जी मिगी सच्ची जी गल जी मिगी परेशानी या तकनी पी या माड़े वास्ते थोड़ी प्रॉब्लम हुई और फिजिकल तो मैं अलहमदुल्लाह ठीक हाँ अलहमदुल्ला गल नीयत नहीं होनी अल्लाह पाक कदे भी तुम तकलीफ नहीं पाना ठीक है। मैं जितने भी तुम नाजरीन तकने पे अगर वो जाना चाहे क्योंकि असा तो जी तकिया कि बेशुमार दुनिया ऐसी है जी के मैं अगर उत्थे बंदे गिनने शुरू करी दियो ना लखा दुनिया ही है ठीक है इतनी दुनिया ही है। मैं समझना कि उन्हें को तालीम नहीं होनी या उन्हें की समझ नहीं होनी मुझे कुछ कर रहे हो। मैं निकल तो मिसाल देना कि उत्थे औरत ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी स्वागत है ब्रिटिश पाकिस्तान नेटवर्क मैं अफसल कहानी से मौजूद हूं बर्मिंघम में। असा आज जिस जो आज इस रशगा पर जी साडे भाई राजा शाह साहब का उम्र नहीं सादत नसीब ना की हुई सब पर ना की मैं अपने तरफ और अपने तमाम नाज़रीन और अपनी पूरी टीम तरफ मुबारकबाद पेश करना जी केवल बॉडी का अपने सरपरस्ते वाला भी है। वैसे तो वुमन था उन्होंने कबड्डी ने इंटरव्यू करना होना लेकिन आज जो ऐसी जगह तो होता है उस सफर ने बारे ज्यादा सफर का था रहा ने बारे गलबात कर सा और साढ़े मेहमान है सारे मेहमान से तारफ कर सा पार्लियामान रात कैन साहब हो चुके जी बड़े बड़े भाई है और जनाब चौधरी रिजवान साहब आप जी मॉडर्न विलेज दमाशरी सही तारफ कराया शानी जी ठीक है जी शान शानी साहब को जहान तो साढ़े भाई नाल आए जी बहुत शुक्रिया शहर जी सब तो पहले तुम बहुत बहुत मुबारक हो जी उमदेन जी साढ़े नाजरीन की दसो कि तुसाना सफर कैसा रहा उस सफर का बड़ा जबरदस्त होना टाइम स्पेंड किया कैसा बड़ा मजा आया जी। सबसे पहले तो यकीन करो कि उम्र पर साढ़ा ड्यू सा कुछ दो त्रै साल तो प्रोग्राम कोई नहीं सा घैन होने बुलावा नहीं सा मंजूरी हुई तो अलहमदुल्ला सफर शुरू होया मके सो बहना जी कि जाए तो उतें जाओ ना तो उतें पहुंचो ना तो जो उम्र तो शुरू करने हो फिर वो सारे मनाजर तकने हो ना जो जो तुसा वो चीज़ा करना चाहे हो यकीन करो कि तुसने तसरात चेंज होने जाने और स्पेशली जो आने ना कि जो तुम काबे पर नजर पै तो जी पहली दुआ होनी कबूल होनी। मैं तो सही बात जी जो काबे पर नजर पैनी ना वो घट ही बंदा उसी कि उसकी अपनी जात याद रहनी अल्लाह उसकी उसने तसरात चेंज हो जाने अगर उस नीयत ना हर इंसानी नीयत अल्लाह जाना लेकिन बंदा जो उस नीयत ना जाए तो तकड़ा ना चीज या उस जरा उ एक एनवायरमेंट होना यकीन करो कि मैं कोई चीज़ा रिकॉर्ड की कि अब अबील नहीं जरा ना पुराने जो जिक्र मतलब कि अब अबील जरा ना इं कड़ी कड़ी करनिया कड़ी उड़निया इधर जानिया कड़ी उड़निया इधर जानिया काबे ने रौंड इतना जबरदस्त यकीन करो कि मैं ना कि उतना मैं अपने जिसमें हाथ लाना सा इस मैं टीका तुसा ने पाना पाया कि अल्लाह पाक तू मिगी इस घर बुलाया इस घर मैं इतने काबिल ना था कि मैं हाथ लाना सा कि वाकई मैं खाबा इतना मैं रियल तकना पाया काबे की अपने अखिया ने सामने और बड़ा ही मजा जी यकीन करो कि मैं ना कि दुनिया जिंदगी बिच एक बेस्ट टाइम मैं इसकी आख सकता जबरदस्त जी भाई शायद असर नाजरीन नाल अपनी फीलिंग शेयर की और दसिया उन्होंने मनाजा सारे शायद भाई जिस वे सारी बात जाने सफर पूरा शुरू होना उस तो बाद क्योंकि वैदर ना यूके क्या डिफरेंस है क्या वैदर गल ये है कि यूके ने सारी गली सर्दी है ठंडा वैदर है टेम्परेचर बहुत अच्छा था स्पेशली अगर जनवरी फरवरी मार्च जाए बंदा तो बहुत अच्छा वैदर सा बहुत मजे ना सही जी गल सारी गली उम्र जो बंदे जाने नहीं पता कि उम्र थोड़ा जहा तुसकी तुरना पैना स्ट्रगल उतना बंदे इतनी इतनी मखलूके खुदा ही है कि इंसान उतना जाना ना तो बंदे की पता चलना कि अल्लाह ने ना किन्ने लिए कितनी दुनिया ही है और हर बंदे ने एक ही टारगेट होना कि मैं अल्लाह ही राजी करना ठीक है राह पर भी जाना हो जी गुरुद्वारे राह पर गए हैं जी वो भी माशाल्लाह तकरीबन अगर तुम कल जाओ तो तकरीबन घंटा भी लेई जाना फैमिली ना और डेढ़ सौ दो घंटे भी लेई जाने काफी अल्लाह
उस जिस गार च होई सी आई सी उन्हां की हो गई नाजुल होई सी है गार अंदर छोटी जी जगह ही है इयो पहले गुजरी तू गार च जाने हो गार जी बनती भी तू गुजरी जाने हो अल्लाह जड़ा ना गार ही जिता आप सल्लम बे सुबह जा नफल अदा कीते सारी पहाड़ी पर टाइम स्पेंड कीता भाई सुकून और बड़ा ही रूहानी तौर पर तू आ ही सकने हो के बहुत ही जबरदस्त वाफ करने उठने जारी करा उसने तो की पहलू फिजिकली फिट होना क्योंकि उन्हें इतना मतलब इजी नहीं क्योंकि जारी पता इतना जैसा रहने या इन कंट्री में साथ में फिजिकली फिट ना होने तो तुसों को तुसा ना तो आप करने ठीक रही हो बिल्कुल मैं बिल्कुल जी एक गल वाकई है कि जड़े बंदे तू जाने क्योंकि फिजिकली तुसा के टुरना पैना टुरना आप टुरने पर टुरना चाहिए ना तुसा पहले जड़ा हरम पाक जड़ा काबा शरीफ ने तुसा सात चक्कर लाने ठीक है वो सात चक्कर तुसा बगैर जुतियां जोबे सी लाने हो वो सारा मार्बल लगा हुआ सात चक्कर सफा मरवा ने दो पहाड़ियां या सफा और मरवा मरवा एक पासे सु दूए पासे जाने हो यानी कि एक चक्कर फिर दूए पासे सु इधर जाने हो दो चक्कर होने वो सात चक्कर लाने पड़े वो जड़ा सारा जितना एरिया हो सारा पक्का जड़ी मिगी सच्ची जड़ी गल जड़ी मिगी परेशानी या तकनी पई या माड़े वास्ते थोड़ी प्रॉब्लम हुई और फिजिकल तो मैं अलहमदुल्ला क्या ठीक हूँ अलहमदुल्ला लेकिन क्योंकि तुसा ना क्योंकि मिगी हुण इत्थे इंग्लैंड 14-15 साल हो गए कमो पेश मतलब के अगर 15 साल जाओ तो कोई ऐसा दिहाड़ा नहीं जो शूज नहीं लाए होने पैर ऑटोमैटिकली जी तलियां ही कच्ची हो ठीक है जो तुम मार्बल पर टुरने हो ना या एक चक्कर तो लाने हो कई अगर फीट करो तो बहुत ज्यादा बनी गए पैर ने मसाइल होने पैर सुजी भी जाने बंद माड़ा जरा माड़ा तलियां नहीं प्रॉब्लम सी जेड़े बंदे जाने तक मकसद होना कि तुसा गल नियत नहीं होनी अल्लाह पाक कदा भी तुसा की तकलीफ च नहीं पाना ठीक है मैं जितने भी तुम्हारे नाजरीन तकने पे अगर वो जाना चाहे क्योंकि असा तो जाई तकिया कि बेशुमार दुनिया ऐसी है जेड़ी के तुसा फॉर एग्जांपल नवी जुतियां बाय कर रहे हो ना जेड़ियां तुसा ने पैरा की जड़ा ना कंफर्टेबल होनी और तुसा जुतियां कनी के चोक तुम बाहर नहीं इस्तेमाल की हुई उत हरम पाक ने अंदर बंदा दिलों मैं ना चाहना करने बंदे उतर लिया होनी बंदियां लेकिन मैं उत्थे नहीं लाइया लेकिन जड़ा जड़ा एक तवाफ खाली करने होना तवाफ उमरे ना उमरे से जो जाने हो आराम बनने होना आराम नियत करने हो उमरे नहीं वो आराम पाक ने अंदर करने हो काबा ने अंदर लेकिन जड़ा तुसा नफली तवाफ करना ना वो ना अपर बनाया हुआ चक्कर काफी बड़ा आया यानी कि आम जड़ा हरम पाक ना चक्कर आना उसने त्रै गुना ज्यादा आया वो उत्थे जड़ा ना काफी बंदियां नहीं इतनी दुनिया ही है मैं समझना कि उन्होंने क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए जेड़े के इतनी उन्होंने तालीम नहीं होनी या उन्होंने समझ नहीं होनी कुछ कुछ कर रहे हो मैं निके तो मिसाल देना कि उतना औरतें ही हूँ शुरते उन्होंने औरतें की आने के जेड़ी नमाज चलो तवाफ तो तुम करने हो कटे हो ठीक है वो तो अल्लाह का हुक्म शुरू से निजाम चलना पाया शुरते एक गल आखने कि तुसा औरतों की तुसा लैदा हुई ना तुसा नमाज पढ़ो और कोई ऐसी जगह और बड़ा कंट्रोल करने एक नमाजा चो एक पासू बंद करने दूई नमाजा दुए पासू बंद करने हाँ पर तो सम टाइम मिकी इस तरह लगा के जबान ना भी काफी मसला लोगों की मिक्स वो अरबी बोलने जारी करना जबान अरबी है और जितने कंट्रियां ने जाने सवाए अरब कंट्रियां कुछ सु जितने बंदे जाने उनकी अरबी तो कौन ही नहीं फिर एक और मैं तो एक गल दसा उर्दू वो इतनी समझी किन्ने बोली भी इतनी किन्ने के बंदे की गल समझाई किन्ने कि इधर नमाज हो सीने इधर ये चीज ने इधर औरतों ही इधर मार दे फिर उन्होंने एक टाइमिंग ऐसी रखी और टाइमिंग वो करने की बड़े बड़े बदतमीज है ये तो वो ऐसी कुछ नहीं था कोई ऐसी चीज अल्लाह पाक हम बरकत मौका दिता तो कि वो उमरा किया
और साढ़े नजरीन की डिटेल सच दसियाँ। आखिरी एक मैसेज दसो कि जारी बात है जो इंसान कोई भी होना जारी गल इंसान को इतने वसायल भी होने समटाइम वसायल होने के बावजूद ना जा सको तरीके अखा चार साल हो गया मैं कोशिश करना पसंद लेकिन अल्लाह ताला की तो मंजूर होना बेशुमार ऐसे इंसान जिंदगी होने जिन्हें फैश होनी पैसा होना लेकिन जिसे तक थोड़ा बुलावा ना हो जिसे तक अल्लाह मंजूर ना जा सकने दसो कि तुसा इस साल ना पक्का प्लेन किया था या अचानक कोई अल्लाह की तरफ से बुलावा होया असल जब मैं पाया कि 3 साल जो प्लेन था लेकिन पिछले 2013 में 11 महीने प्लेन था तो सारी फैमिली शादी थी उस रब की राजी करने नहीं अगर रब राजी हो चाहना दुनिया में ख्वाहिश कुछ भी नहीं जहन बनाने हो प्लान तो अल्लाह ने जाती करनी तुम एक जहन बनाने हो तो जहन साढ़ा सा यारे जाने ना यारे बुलावा नहीं सा बुलावा हूं सा भाई है कि अल्लाह पाक साड़ी हाजरी कबूल करे बाकी है कि हकीकत जी गल है कि उत जो बंदा जाना तो कि लोग जरा इतों पिणी गचने सड़िया असानी बीमारियां ठीक हो गचन ये ठीक हो गचन अस दुनियावी चीजा लभी गचन लेकिन मैं हकीकत तुसा ने बह के उत जाए तो बंदा इतने अल्लाह के अपने क्लोज पाना कि बस मैं अल्लाह मिगी तकना मैं अल्लाह कोल हाँ ठीक है और बंदा एक ही चीज आना कि रब मारना राजी होगा और हकीकत गल जी ये दुआ ऐसी है कि जो रब तुसा ने राजी हो गया उत दुनियावी चीजा कोई मानी नहीं रख कोशिश करनी चाहिए कि रब राजी हो गया बाकी है कि और यकीन जी उठा गल बात की कोशिश कर सी दसा उठा नाजर भी बहुत शुक्रिया सुना अल्लाह ने की बात।